हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एंड माय नेम इज़ रवि। दोस्तों, ये जैसा कि आप जानते हैं, हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं। इंडियन पॉलिटी का ये 15th लेक्चर है। इससे पहले हमने जो है 14 लेक्चर पढ़ा दिए हैं आपको। वो जितने भी लेक्चर हमने आपको पढ़ाया सभी पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही ये शुरू कीजिएगा, तभी आपको अच्छे समझ में आ पाएगा। तो हालांकि हमारा जो है दूसरा चैप्टर है वो है संविधान सभा, मगर उसके बीच में हमें जो है संविधान सभा के बीच में दो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जरूरी हैं। पहला है माउंटबेटन योजना और दूसरा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। क्योंकि आप जानते हैं कि जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वहां पे जो है मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, तो ये पूरे तरीके से स्पष्ट हो गया था कि अब जो है विभाजन ही होगा। तो और भी जो कारण हमने आपको पहले बता चुके हैं हम, तो उसी कारण जो है अब तो ये पूरा निर्णय हो गया, तय हो गया था कि ये अब विभाजन के सिवा कोई वो नहीं है। तो उसके चलते जो है जब नए माउंटबेटन, नए वायसराय जो है भारत में आए, माउंटबेटन जिनका नाम था, उनको भेजा गया था। तो उन्होंने जब मीटिंग बुलाई थी और मीटिंग में जो है ये स्पष्ट हो गया था कि मुस्लिम लीग जो है अब नहीं मानेगी बिना पाकिस्तान, बिना बंटवारे के। तो आपने देखा होगा इसे पहले किस तरह माउंटबेटन योजना में जो है भारत को दो भागों में बांटा गया था, और ये योजना हुई थी। तो वो योजना गई थी ब्रिटिश ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो वहाँ पे जो जो है ये इस पे ठप्पा लगा था, मतलब वहाँ पे जो है ये पास हुई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो वहाँ से पास होकर जो है ये भारत में आई थी। तो आगे देखते हैं हम स्वतंत्रता अधिनियम। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग और भी जो इम्पोर्टेंट जो दल थे, इम्पोर्टेंट राजनीतिक पार्टियां थी, उन सभी ने जो है माउंटबेटन योजना को जो है मंजूर कर दिया था। जो माउंटबेटन योजना जो पेश की गई थी, इससे पहले हमने आपको पढ़ाया, उसको लगभग सभी पार्टियों ने जो है मंजूर कर दिया था। तो फिर हुआ क्या, अतः वो क्या हुआ, ब्रिटिश संसद को इस योजना को जो है पूर्ण सहमति देने के लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है पारित किया। सबसे पहले क्या हुआ था कि सबसे पहले इसे 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। इस योजना को, किस योजना को, माउंटबेटन योजना को, और जिसे जो है 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिल गई थी। लगभग 14 दिन बाद जो है इसे स्वीकृति मिल गई थी। ठीक है, अब स्वीकृति मिल गई। अब देखिए इसमें क्या क्या प्रावधान थे, इसमें मेन प्रावधान क्या क्या थे। तो पहला तो यही था कि 15 अगस्त 1947 को जो है दो स्वतंत्र राष्ट्र जो है, जैसे कि आप पहले बताया गया था, भारत और पाकिस्तान की स्थापना होगी, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से जो है अलग होने की स्वतंत्रता थी। और दूसरा, दोनों राष्ट्रों के लिए जो है अलग अलग गवर्नर जनरल नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, मतलब वायसराय का पद हटा दिया गया था, वायसराय का जो है वो पद हटा दिया गया था। अब दोनों राष्ट्रों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल चुने जाएंगे। तो हुआ क्या, फिर भारत में जो है जो माउंटबेटन थे वो गवर्नर जनरल के रूप में वही चुने गए, जबकि जवाहरलाल नेहरू जो है प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाएंगे। आज़ादी के टाइम पर आप देखेंगे, आगे हम चल ही रहे हैं। और इसी तरीके से पाकिस्तान में भी यही हुआ था। पाकिस्तान में जो है मोहम्मद अली जिन्ना को जो है गवर्नर जनरल के रूप में चुना गया, जबकि प्रधानमंत्री वहां के लियाकत अली थे। ठीक है, लियाकत अली को प्रधानमंत्री बनाया गया था पाकिस्तान में। वो इम्पोर्टेंट नहीं, हमें भारत के लिए इम्पोर्टेंट है। मगर आप देखेंगे कि ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे माउंटबेटन गवर्नर जनरल, ये 20 जून 1948 तक थे। उसके बाद जो है चक्रवर्ती राम गोपालचारी आ जाएंगे। मगर आप आगे चलकर देखेंगे कि ये भी गवर्नर जनरल की पोस्ट भी हटा दी जाएगी। ठीक है, चलिए फिलहाल तो हम ये देख रहे हैं कि क्या हुआ इस अधिनियम के तहत। भारत में जो है माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बना दिया गया और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री। उसके बाद देखिए, दोनों देशों के लिए जो है अलग अलग संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और जो वर्तमान में संविधान सभा हम पढ़ रहे थे, वही संविधान सभा जो है हमारी होगी, पर भारत की संविधान सभा होगी, जबकि पाकिस्तान की जो है वो अलग से, वो अपने आप उन्होंने संविधान सभा की गठित की थी। अब देखिए, संविधान सभा का मेन कारण, मेन क्या उद्देश्य था, संविधान सभा क्यों गठित की गई थी, कि वो हमारे देश के लिए जो है एक संविधान बना सके। तो जब तक संविधान सभा संविधान नहीं बना लेती, तब तक भारत का संचालन कैसे चलेगा, 1947 का संचालन कैसे चलेगा। तो उसके लिए ये प्रावधान किया गया, जब तक जो है भारत हो या पाकिस्तान, दोनों की जो संविधान सभाएं हैं अपने लिए संविधान ना बना लें, तब तक उन्हें जो है 1935 का जो भारत शासन अधिनियम, इससे पहले आपने पढ़ा होगा, हम 2-3 लेक्चर पहले पढ़ाया था हमने, तो उस हिसाब से जो है शासन करेंगी भारत के अंदर, वही कानून व्यवस्था रहेगी जो 1945 में जो है लिखा हुआ था, उसी के हिसाब से
भारत में शासन चलाया जाएगा। और भारत में शासन चलाने के लिए जो है स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बनाया गया। जब तक संविधान ना बन जाए तब तक जो है बनाने के लिए मंत्रिमंडल चाहिए, तो शासन चलाने के लिए स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था उसके बारे में आपको बहुत ही ज्यादा चीजें मालूम होनी चाहिए, ये एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो जितने सदस्य हैं सब मैं आपको बता देता हूँ, उनके विभाग क्या थे वो बता देता हूँ। देखिए ये पूरी लिस्ट है। सबसे पहले आते हैं जवाहरलाल नेहरू, तो ये प्रधानमंत्री थे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ये थे, प्रधानमंत्री। और भी इनको विभाग मिले थे, जैसे वैज्ञानिक शोध वाला विभाग मिला था इनको, विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल ये मामले इनको, ये सब विभाग मिले हुए थे। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये गृह मंत्री थे और सूचना और प्रसारण मंत्री थे, ठीक है, सूचना और प्रसारण मंत्री थे। और राज्यों के जो मामले थे वो भी विभाग इन्हीं के पास था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये खाद्य और कृषि मंत्री थे, याद रखिएगा, खाद्य और कृषि मंत्री थे, ठीक है, खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। मौलाना अब्दुल कलाम, ये शिक्षा मंत्री थे, कौन, शिक्षा मंत्री थे। उसके बाद डॉक्टर जॉन मथाई, रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे ये, ठीक है, रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। जबकि आर के षणमुगम शेट्टी, ये वित्त मंत्री थे, ठीक है, वित्त मंत्री थे ये। उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये कानून मंत्री थे, विधि मंत्री थे ये। जगजीवन राम, ये श्रम मंत्री थे। राजकुमारी अमृता कौर, ये स्वास्थ्य मंत्री थी, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री थी। सी एच भाभा, ये वाणिज्य मंत्री थे, ये वाणिज्य मंत्री थे। रफी अहमद किदवई, ये संचार मंत्री। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये उद्योग मंत्री थे, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। एनवी गॉडगिल, ये कार्य खान और ऊर्जा मंत्री थे, ठीक है। एक और नाम आता है इसमें नहीं दिया गया, एक आखिरी जो है सरदार बलदेव सिंह, वो रक्षा मंत्री थे, ठीक है, सरदार बलदेव सिंह जो थे वो रक्षा मंत्री थे। तो ये जो है मंत्रिमंडल था स्वतंत्र भारत का, याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत का। इससे पहले भी एक मंत्रिमंडल था आजादी से पहले 1946 का, अंतरिम सरकार मंत्रिमंडल वाला, उसमें भी बहुत क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो वो पढ़ा है, वो भी ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। ये आजादी के बाद का जो है, जब तक हमारा संविधान बन ना जाए, जब तक कोई व्यवस्था कानून ना लग जाए, तब तक जो है यही मंत्रिमंडल चलाएगा। और क्या था, देखिए जो स्वतंत्रता अधिनियम था उसमें और क्या बातें थी, चौथी बात ये थी कि दो सीमा आयोग का गठन हुआ भाई, क्योंकि आप जानते हैं कि दो सीमाएं थी ना, एक भारत जो इस समय भारत और पाकिस्तान वाली, और भारत और बांग्लादेश वाली। पहले बांग्लादेश भी तो पाकिस्तान ही था पहले, तो दोनों अधिराज्यों की सीमा का निर्धारण करने के लिए दो सीमा आयोग का गठन हुआ। पहला क्या था, पंजाब सीमा आयोग, पहली वाली, ठीक है, जो अभी जो है पाकिस्तान और भारत के बीच में जो सीमा, वो पंजाब सीमा आयोग उसे कहा गया, जबकि जो बांग्लादेश और भारत वाली उसको जो है बंगाल सीमा आयोग के नाम से मैं बता रहा हूँ आपको। तो दो सीमा आयोग का गठन किया गया, एक को जो है पंजाब सीमा आयोग, दूसरी जो है बंगाल सीमा आयोग। और इन सीमा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो रेड क्लिफ हैं, आप रेड क्लिफ लाइन आपने सुनी होगी, भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो रेड क्लिफ इन्हीं के नाम पर है। तो सर रेड क्लिफ जो है इस सीमा आयोग के जो है अध्यक्ष थे। और इस आयोग का काम क्या था, इस आयोग का काम ये था कि पंजाब और बंगाल के जो मुस्लिम और जो गैर मुस्लिम आबादी के लोग हैं उन्हीं के आधार पर इसको जो है दो भागों में बांटना था। तो मतलब ये तय करना था कि किस एरिया में हिंदू अधिक है, किस एरिया में मुस्लिम अधिक है, उस आधार पर जो है इस सीमा का निर्धारण होना था। और चार सदस्य इस आयोग में जो है, जिसमें दो सदस्य कांग्रेस के थे और दो सदस्य जो है मुस्लिम लीग के शामिल थे। उसके बाद देखिए पूर्वी बंगाल, पंजाब, सिंध, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और आसाम का जो सिलहट वाला जिला है वो पाकिस्तान में, तथा शेष भाग को जो है भारत में सम्मिलित होना था, ठीक है। पूर्वी बंगाल, पंजाब का जो हिस्सा, पंजाब का जो है मैक्सिमम हिस्सा चला गया था, सिंध, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और आसाम का सिलहट जिला पाकिस्तान में, तथा शेष भाग को जो है भारत में ही सम्मिलित होना था। इस कानून में जो है, इस कानून ने क्या किया, ब्रिटेन में जो है भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया था। इस स्वतंत्रता अधिनियम ने
ब्रिटेन में भारत सचिव का जो है पद समाप्त कर दिया था। और इसकी जगह क्या, इसकी जगह क्या हुआ, इसकी जो जितनी भी सारी शक्तियां थी वो जो राष्ट्रमंडल के जो राज्य सचिव थे ना उनको स्थानांतरित कर दी गई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के राज्य सचिव द्वारा जो है सिविल सेवा में नियुक्त करने और पदों पे आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी गई। पहले क्या होता था कि राज्य सचिव जो है आईसीएस की जो कुछ सीटें थी ना उस पर जो है डायरेक्ट वो नियुक्ति करता था, तो वो आरक्षण जो है समाप्त कर दिया गया। मगर 15 अगस्त 1947 से पहले जितने भी कर्मचारी थे वो वही सुविधाएं उनको मिलेंगी जो पहले से मिलती आ रही हैं। ठीक है, और भी इसमें एक हुआ था, इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था कि भारत के अंदर जो शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द हटा दिया गया था। ठीक है, भारत का सम्राट जो है शब्द हटा दिया गया था। तो इस प्रकार जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत नाम के जो है दो राज्यों का गठन हुआ। एक पॉइंट याद रखिएगा कि 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक जो भारत का राजनीतिक दर्जा था वो ब्रिटिश राष्ट्रकुल के जो है एक उपनिवेशिक राज्य का था, डोमिनियन स्टेट्स का था। और एक बात ये भी याद रखिएगा, 1946 में जो संविधान सभा बनी थी उसी को जो है स्वतंत्र भारत के जो है संसद के रूप में उसे स्वीकार कर लिया गया था। जो लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल की जो पोस्ट दी थी वो 15 अगस्त 1947 से 20 जून 1948 तक ही थे। उसके पास उनके बाद जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को जो है नियुक्त किया गया था भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल। तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया है भारत स्वतंत्रता अधिनियम, और इससे पहले हमने पढ़ा था माउंटबेटन योजना। तो अब हम जो है संविधान सभा को कंटिन्यू करेंगे कहाँ से, 13 दिसंबर 1946 से जब उद्देश्य प्रस्ताव जो है पारित किया गया, वहां से हम पूरा कंटिन्यू करेंगे। कहाँ तक जाएंगे, 26 जनवरी 1950 तक जाएंगे जब तक संविधान सभा जो है हमारे भारत का संविधान नहीं बना लेती। उसके बीच में जितने भी इम्पोर्टेंट बातें होंगी सब मैं आपको सेल वाइज बताऊंगा और पूरी डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। पूरे लेक्चर आप देख लीजिएगा, नोट्स भी आप हमारे पा सकते हैं, स्क्रीन पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो हम आपसे जो है मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।